आपको अगर कुछ अलग करना है तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना होगा, वरना आप हमेशा दुखी रहोगे। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हार मानने के लिए मजबूर ना किया जाए। धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है जिससे मैं सीख रहा हूँ। कभी भी नई चीज़ करने से मत डरो। लंबे समय तक नाराज़ रहने के लिए ज़िंदगी छोटी है। यदि आप एक कंपनी बना रहे हैं तो आपको एक केक बनाने की तरह ही उसमें सभी चीज़ें डालनी होंगी। जब हेनरी फोर्ड ने एक कार बनाई थी तब लोगों ने कहा था घोड़े में क्या बुराई है, लेकिन वो एक बड़ा जुआ था जो काम कर गया। सफलता की खुशी मनाना तो अच्छा है, पर अपनी असफलताओं से कुछ सीख लेना ये बहुत अच्छा होगा। जिस चीज़ को आप चाहते हो उसमें असफल होना जिस चीज़ को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना भी मना नहीं है। फ़र्क थोड़ा सा है तेरे और मेरे इश्क में। तू मासूम की खातिर रात भर जागता है और मैं मुझे मातृभूमि की हालत सोने नहीं देते। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से काला होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड उस स्टूडेंट की लाइफ वाइट बना देता है। जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो मान लेना कि तुम कामयाब हो गए हो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ उसको बनाने वाले को ही पता होती है, और तोड़ने वाले को कुछ पता नहीं होता। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान बहुत समय तक टिकती है। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना में पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो कृपया इस वीडियो से यहीं अलविदा लेता हूँ। वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमें मोटिवेट करिए और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।